subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 16,722 पे लगभग 106 पॉइंट गेन के साथ। अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो इस मंथ के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 950 पॉइंट के गेन के साथ, लगभग 6% ऊपर। और यहाँ हमने 20 मंथ का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने पर यह बाउंस बैक दिखाया है। यहाँ जो है तो हमने जो मंथली चार्ट है उस पर पिवोट को भी क्रॉस किया है, तो ये अर्ली बुलिश साइन है। अभी तक कंफर्म नहीं है, मगर ये लॉन्ग टर्म रिवर्सल के अर्ली साइंस है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो इस हफ्ते क्लोजिंग दी है लगभग 4% गेन के साथ, लगभग 650 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हुआ है निफ्टी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो निफ्टी ओवरसोल्ड लग रहा है ऑन वीकली चार्ट, तो यहाँ से रैली बन सकती है अगर हम सस्टेन करें लगभग 16,400 के ऊपर। यहाँ जो है निचले तरफ जो वीकली चार्ट पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो है 16,400, उसके बाद में 16,000 और उसके बाद में 15,500 के सपोर्ट जोन से। अगर निफ्टी 16,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको जो है तो एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म। यहाँ वीकली चार्ट पे निफ्टी स्ट्रांग बुलिश दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो जैसे मैंने कहा था हम 200 डेज के जो एवरेज है उसके ऊपर निकल चुके हैं, तो यहाँ जो है तो हम बढ़ रहे हैं 16,900 की तरफ। अगले हफ्ते के लिए टारगेट रहेगा 16,900। और मगर यहाँ जो है तो नीचे सपोर्ट बहुत ही दूर दूर तक है, तो अगर फॉल आता है किसी वजह से, और यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे निफ्टी जो है तो ओवरबॉट है, तो यहाँ अगर फॉल आता है तो आपको डीपर करेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ दोनों तरफ के मौके आपको देखने को मिलेंगे। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और 16,400 सस्टेन करता है निफ्टी, तो आपको जो है तो ऊपर 16,900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी कारणवश निफ्टी नीचे आ जाता है तो आपको डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो करेक्शन में निफ्टी के टारगेट रहेंगे 16,500 और उसके बाद में जो है तो 16,200 का भी लेवल निफ्टी दिखा सकता है। जैसे हम 16,500 के नीचे स्लिप करेंगे हम जो है तो डीपर करेक्शन देख सकते हैं 16,200 तक। तो यहाँ दोनों तरफ के मौके देखने को मिल सकते हैं। यहाँ जो है तो लॉन्ग साइड आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। आई विल नॉट कैरी एनी लॉन्ग्स ऑन पोजिशनल बेसिस, क्योंकि यहाँ जो है तो कभी भी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और उसकी वजह से जो है और जो डाउन साइड सपोर्ट है उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। यहाँ मोमेंटम लॉन्ग साइड पे है, मगर कॉशियस रहना है लॉन्ग साइड पे और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो आपको नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, जिसके जो लेवल रहेंगे अगले हफ्ते के लिए नीचे की तरफ वो रहेंगे 16,500, उसके बाद में 16,200। अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहता है तो 16,900 का टारगेट रहेगा। अगर 16,900 क्रॉस करता है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर करता है तो हम 17,500 तक भी जा सकते हैं। रिलायंस के रिजल्ट अच्छे हैं तो उसके वजह से हमें शायद मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर 16,900 के अराउंड मार्केट जाता है तो वहाँ आप जो है तो शॉर्टिंग की कोशिश कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। वहाँ से आपको करेक्शन देखने को मिलेगा 16,500 की तरफ, और डीपर करेक्शन आता है तो 16,200 के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ जो है तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो शायद एक रेंज में घूमते रहेंगे, ऊपर 17,000 और नीचे जो है तो 16,000 का रेंज रहेगा। इस बड़े से रेंज में हम शायद मार्केट जो है तो घूमता रहेगा एक मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अगर 17,000 ब्रेक होता है तो 17,500 और 18,000 के भी लेवल की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। करंटली टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट लग रहा है, मगर ओवरबॉट जोन में मोमेंटम बिल्टअप होता है, तो 16,900 टारगेट रहेगा हमारा सेफ साइड। अगर वो ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर तो 17,500 के भी टारगेट खुलेंगे। मोस्टली आपको अगले वीक में दोनों साइड ट्रेड देखने को मिलेंगे, ऊपर और नीचे के साइड पे भी। यहाँ करेक्शन भी होगा और अपसाइड रैली भी आएंगी। नीचे जो सपोर्ट जोन है वो 16,500 और 16,200, ऊपर की तरफ 16,900 का टारगेट और रेजिस्टेंस भी। यहाँ जो है तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी कि आपको ट्रेंड देख के ट्रेड करना है। मोस्टली जो कॉल ऑप्शन है
उनके लिए सलाह रहेगी 16900 के अराउंड प्रॉफिट बुक करें। और पुट ऑप्शन बायर जो है तो वो बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट जो है तो 16500 के नीचे स्लिप करता है तो आप जो है तो एट द मनी और इन द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस कीजिए 16200 के टारगेट के लिए। 16500 के ऊपर जो है तो मार्केट बुलिश रहेगा, टारगेट 16900 रहेगा, 16500 के नीचे करेक्शन आएगा जो मार्केट को 16200 की तरफ लेकर जाएगा। तो दोनों तरफ आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। करंटली मोमेंटम लॉन्ग साइड पे है और हमें जो टारगेट दिखाई दे रहा है इमीडिएट वो है 16900 का। अभी मंडे के दिन देखना है कि वो टारगेट अचीव होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो है तो एचडीएफसी निफ्टी लगभग 16600 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 990 पॉइंट नीचे। तो यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी अभी देखने को मिल सकती है और मार्केट ओवरबॉट है तो लॉन्ग साइड थोड़ा सा कॉशियस रहना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। मोस्टली अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो शॉर्ट साइड आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो। सो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।